भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ कर रहे हैं समाज सेवा। इसी भावनाओं को लेकर देश में चल रही वैश्विक महामारी से निपटने के लिए भयमुक्त होकर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मानव सेवा के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, जिससे जो हो सके वो मदद करना पड़ेगी। समाजसेवी ने बताया कि सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि पहले दिन जब ऑक्सीजन की मारामारी हो रही थी, अपने गाँव व क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे थे। उस वक्त मेरे पापा श्री संतोष मोहिदे व नवीन दादा जैन फोन पर चर्चा कर रहे थे कि अपन कुछ करें, तो इनके पास श्री अक्षय पात्र सेवा समिति के पास मात्र 2 सिलेंडर और नवीन दादा पास एक कंस्ट्रक्शन मशीन थी। इन्होंने 2 लोगों की मदद की, फिर इनके पास फोन ज्यादा आने लगे। मैंने देखा ये इतनी उम्र में परेशान हो रहे थे, फिर मैंने पापा को बोला कि अब आपके पास किसी का भी फोन आए तो आप मेरा नंबर देना। फिर मैंने और राजू भाई लश्करी जी ने मिलकर 4 से 5 सिलेंडर लोकल से कल्लू भाई मौलाना, सलमू भाई जोए, रजू भाई वेल्डिंग वालों से एकत्रित किए, फिर इनको भरवाना। कहीं भी रिफिल नहीं हो रहे थे, जिसको फोन लगाओ वो मना कर दे या फोन नहीं उठाए। फिर दीदी डॉक्टर साधव जी विधायक महोदय से बात की, उन्होंने हेल्प की, फिर सिलेंडर रिफिल हुए और भरवाए गए, क्योंकि समस्या इतनी थी कि कोई भी सिलेंडर भरने को तैयार नहीं था। इस कार्य में समाजसेवी ने बताया कि आज तक लगभग 16 से 17 मरीजों के परिजनों को उपलब्ध करवाए गए हैं सिलेंडर। इस कार्य में मेरे साथ राजू भाई लश्करी, सौरभ शुक्ला, प्रवेश पंचोली, विक्की पाटीदार, शकील भाई मैकेनिक का सहयोग मिलता रहा है। उन्होंने एक नारा भी दिया जो है, आओ जिंदगी बचाएं, चंद सांसें हम थमने से बचाते हैं, चंद सांसें आप बचाइए। डीजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, मंडलेश्वर।